शुक्रवार को हुई हल्की बारिश से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। सुबह से ही बादलों में सूर्य देव की लुका छुपी जारी रही और शाम होते ही हल्की बारिश से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार दो दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला नहीं है। इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि दो दिनों तक हल्की बारिश होने के अनुमान है। उन्होंने कहा कि सुबह के समय में कुछ दिनों तक फॉग रहेगा तथा वज्रपात की भी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बारिश के समय घर से बाहर ना निकलें, वज्रपात से बचें। बारिश से सड़कों पर बिछलन हो जाती है जिससे दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए हेलमेट लगाकर ही वाहन चलावें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए ये तो पहले से भी आपदा कार्यालय ने एक वार्निंग इशू किया था कि 4 और 5 में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई थी, क्योंकि जो हम लोगों को IMD द्वारा और जो हमारे क्लाइमेट सेल द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उससे यह था कि एक हल्की बारिश हमें 4 और 5 तारीख के बीच में मिलेगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू होगा। लेकिन अभी इधर कुछ दिनों तक फॉग की भी सिचुएशन बनी रहेगी, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम हमारा क्लियर होगा। सर आने वाले दिनों मौसम को लेकर क्या स्थिति है? मौसम क्लियर हो जाएगा आने वाले दिनों में। अब आज और कल का ये प्रोजेक्शन है। हाँ, इस समय हो सकता है कुछ जगहों पे वज्रपात की भी घटनाएं हो, आकाशीय बिजली गिरने की या कुछ इस टाइप की भी घटनाएं होने की संभावना है। तो मैं आम जन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे जो जरूरत का कार्य हो उसी के लिए ही बाहर निकले, और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है बिजली गिरने की या कुछ इस तरह के वज्रपात वगैरह की कहीं घटना होती है तो आमतौर पे लोग अपने घरों में ही रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस समय जो कि हल्की बारिश की वजह से जो रोड होता है वो स्लिपरी हो जाता है, कई जगहों पे रोड जाम पे हम लोग कहते हैं बिछलन जैसी स्थिति बनती है, तो थोड़ा सेफ्टी लोग अपना बनाए रखें और आराम से मूवमेंट करें, हेलमेट का प्रयोग करें जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं को न्यून किया जा सके और आवश्यकता अनुसार ही घरों से बाहर निकलें।